नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। और आज ईडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज साहिबगंज के डीएमओ आखिरकार ईडी दफ्तर पहुंचे गए। आपको बता दें, पिछले 15 दिन से वो भागे फिर रहे थे, क्योंकि अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर। ऐसे बेटी की शादी तो पहले से निश्चित थी, लेकिन न जाने क्यों तो ईडी का समन लेते ही उनके पसीने छूट गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगले 25 दिन तक मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बेटी की शादी। आखिरकार आज वो उपस्थित है। आप पीछे देख सकते हैं, ईडी का ऑफिस है, हम उसके बाहर खड़े हैं और वहाँ लगातार पूछताछ उनसे चल रही है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी जानकारियाँ ईडी को प्राप्त हो सकती है इनसे। साहिबगंज के डीएमओ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए बनती है, क्योंकि साहिबगंज में पिछले 3 सालों से ये खनन पदाधिकारी के रूप में मौजूद है, पोस्टेड है। आपको बता दें कि 3 साल में हमेशा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये विभूति कुमार ये जो है 4 साल से वहीं डटे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इनको कोई बहुत बड़े विधायक प्रतिनिधि का सानिध्य प्राप्त है, उनका साया है, इसलिए ये वहाँ पर सुरक्षित टिके हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग जो है वो साहिबगंज में होता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे जो पैसे और खनन से जो पैसे आते हैं, जिसका तार इंटरनेशनल तक जुड़ा हुआ है, ये पैसे सत्ता के गलियारे तक पहुंचता है। बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, बड़े तो छोड़िए, सीएम हेमंत सोरेन तक का भी इसमें नाम आ रहा है। इसलिए ईडी की पूछताछ अब डीएमओ से लेकर हर एक निचले पदाधिकारी तक लगातार जारी है। आज का बहुत विशेष है और जो भी अपडेट होगा उस पर हम लगातार बने हुए हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। पूजा सिंघल का परसों फिर से एक बार पेशी है, उनसे भी बहुत जानकारी, क्योंकि ईडी ने कह दिया है कि मेडिकल का बहाना देने से नहीं होगा, अगर वो सहयोग नहीं करती है तो और भी तरीके ईडी के पास हैं उनसे उगलवाने के लिए, इसीलिए उनको स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ईडी के हर सवाल में वो हमेशा बेहोश कभी नज़र आए या कभी बेचैन नज़र आती है, जिससे उनका बीपी बढ़ता है। वैसे ईडी के सवाल होते ही ऐसे बीपी बढ़ाता ही है। आप तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जीएन भारत, हम टिके हुए यहीं पर आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।